सुबह सुबह का 5:30 का टाइम, उधर से दूध में रही लगा दी थी, इतना मक्खन निकल जाएगा। और पानी गरम कर लिया था जीरा, जो भी रात को भिगो कर मैं सोती हूँ, ये अपना तैयार हो गया था। इस तरह हो जाता है रात को भिगोने से। अब की बार इस तरह रूटीन स्टार्ट करा जीरा वाटर से। सुबह सुबह कौवे तोते चिरचिर करते सारे निकलने झुंडा में। अब नहीं, ये मेरे से भी पहले निकलने की उसमें ऐसे शोर करते हुए जा रहे हैं सुबह सुबह। जी राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने इस व्लॉग्स एंड टेरिस गार्डनिंग के एक और नए व्लॉग्स में। तोते का इतना झुंड जा रहा है, कई राउंड मार के जा लिए ना। सुबह सुबह टाइम होया है 6:10, तो ऐसे झुंड में निकले हुए हैं। ये तो सबसे ज़्यादा शोर हो तोता मचाता है। मैं सोचती हूँ मैं पहले आऊँ तो ये मेरे से भी पहले आए। मेला मेरे को छत पर को यूँ ही घूमते रहते हैं, 7-8 हैं तो पूरा ग्रुप बना के चर 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 आगे। अब फिर यूँ करते हुए 7-8 हैं, इतना बोलते हैं रिये। जब इनका नाम मिट्ठू कहते हैं ना, मिठ्ठे भी बोलना है, फिर चर 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 भी रखा है। तो चलो कर लेती हूँ मैं अपना, बाद में मिलते हैं। अब करने के बाद क्यों आधा पौना घंटा लगा लेते हैं। यो सही है वैसे, शाम वाले में भी मेरा रूटीन नहीं बना था। कई दिन शाम ने करके देखा मैंने, सही रूटीन हाँ नहीं बना था। जो सही सुबह वाला है, 1 घंटा निकल जाए सारा दिन। और लास्ट ही मेरी एक्सरसाइज चल रही हैं, तो यह करी थी मैंने आज 60 करी थी, क्योंकि फर्स्ट बार करी थी। फिर पेन होता है ना, अभी रूटीन बनाने लग रही हूँ धीरे धीरे। तो हर एक चीज़ में ही पेन होता है, अगर हम स्टार्ट करते हैं ना 2-3 दिन तो कोई भी नई एक्सरसाइज करेंगे योगा में भी तो उसमें पेन होता, पर छोड़ना नहीं चाहिए। राम राम, सूरज महाराज ने दर्शन दे दिया। आज तो 7:15 हो गए हैं, लगी रही अपना पैरों का पेट बांध रही थी आज से, थोड़ी पेट वाली करी थी ना, लंचेज वगैरह वो चीज़ें करी थी। वह मैं लेट बांध के करते हैं, अब थोड़ा थोड़ा ना कम करने लगे हैं अपना, जो भी बढ़िया हुआ था सारा। अब दवाई जो खाई है 1.5-2 महीने ना, उनका सारा अब निकलना है अपना। सूरज महाराज पूरे निकले हुए हैं, लेट हो जाते हैं जब यूँ लगे जाए ना। असल में लालच हो जाता है करने, कर लूँ पूरे सेट तो मार ही लूँ, फिर वो सेट छोड़ने को बीच में दिल ही नहीं करता अपना। पूरा करके नर्जा बाटी हूँ, वो फटाफट नीचे चलते हूँ। पर अभी ठंड है, सुबह सुबह ठंड लगा है। आज तो पहले डाल आई थी मैं अपनी स्वेट शर्ट, पर आज करते हुए 2-3 दिन पहले तो गर्मी हुई थी सुबह भी, पर अब नहीं है। अब तो सही ठंडी ठंडी आवा है, इसमें भी ना करे तो ठंड लगे, काम ना करे या एक्सरसाइज ना करे। एक्सरसाइज में तो वैसे फिर योगा में लगता है थोड़ा पसीना हाथ का, तो सही रहती है। हाँ जी, वेलकम बैक। टाइम हो गया 8:30 हो गए। सब्जी बना दी, सब्जी सीजन की पहली बार छोलियाँ ही बनाई है, सफ़ेद और क्रीम छोलियाँ जो बनाते हैं ना, आज फर्स्ट टाइम ही बनाई है। हमारे कोई नहीं खाता, मैं और बेटा तो फिर भी खा लेते हैं, क्यों आलू होते हैं ग्रेवी होते हैं इनका, तो नम्मा बेटा का ही होता। बस छोलियाँ वाली नहीं, हमारे तो पाई होगी बाती होगी, और जिसमें एक भी डाल लूँ मैं, लहसुन भी डालती हूँ, फिर भी पता नहीं क्या बहम है इस चीज़ का इनको ना। छोलिया ऊँ सब कुछ खा लेंगे, राजमा छोले चने सब कुछ खा लेंगे, पर छोलिया वाली सब्जी से इनको इतना है ना, इसकी चटनी खा कर खुश होएंगे ना इसका। हाँ पत्ते वाले अरे चने की चटनी ज़रूर खा लेंगे, तो इससे दोनों ही करते हैं ये, हमारे को अच्छी लगती है। अरे वैसे भी अच्छी ग्रेवी वाली बनाए ना तो अच्छी लगती है, शक्ल देख कर ही जी कर जाए खाने को। पर पता नहीं, पहले भिगो रखी है सूजी, तही में भिगो दी थी, सब्जियाँ सारी काट रखी हैं सूजी का। चिल्ला हा बनाऊँगी उत्पम, तो थोड़ा हौसा हो जाए ना, उत्पम भी नहीं और चिल्ला भी नहीं, मिक्सा करके ना और सब बनाऊँगी। भिगोई हुई है आधा घंटा भिगो देगा ना इसको, सही रहती है फिर सूजी, फूल ही जाती है वो, और टेस्टी भी लग रहा है। सारी सब्जियाँ डल जाती हैं इस बहाने ना, फिर ग्रीन सब्जी खा के खुश नहीं होता, तो उसको इस हिसाब से ऐसे फिर डाल देने देती हूँ। चिल्ला बना लिया और कुछ बना लिया उसमें सब्जी डाल देनी। सूजी भी को भिगोए हुए हो गया था आधा घंटा, अच्छी तरह फूल जाती है, फिर सारी सब्जियां इसमें डाल दी थी, और बाद में हरी मिर्च भी मैंने डाल दी थी। थोड़ा तीखा हा हो तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। बैटर थोड़ा लिक्विड हाई रखा था, फिर इस तरह से तवे पर डाल दी थी, टेस्टी लगया करो सूजी वाला भी, चिल्ला हा बन जाता है। तो घी कम ही लगाया करूँ मैं, घी ज़्यादा नहीं लगाया करती जब इस तवे पर बनाया करूँ डोसे वाले पर। इस पर फिर आराम से पलटा भी जाता है, चिपकता नहीं। टाइम हो गया 12 बज गया, तो नीचे ही काम लग रहे थे, नीचे के काफ़ी काम थे। एक तो सर्दियों में जो सामान निकाल देते हैं, बड़े बड़े कुकर खिचड़ी बनाने के लिए डिब्बे, वो सब दो गहना रुना रखे ही हूँ आज। और थोड़ा है फेवी क्विक का काम था, दोनों मम्मी बेटा जोड़ने में लग रहे थे, कुछ चीज़ें थी जो टूटी फूटी पड़ी थी, कई पलगा के जिस तरह बाहर की तरफ दीवार पर लाइट आगे ना, पता नहीं किसी ने बच्चे ने सारे बोर्ड के उतार उतार के फेंक दिए,
तुमने चिपका के यहाँ जब तक बिजली वाला नहीं आओगा और उंगली भी चिपकी गई ना सारी, फिर भी कोई कहीं पर होगी ना उंगली हुए हैं सारे। छोटी लाइटें हो नीचे उनका ऊपर वाला बोर्ड हटा के अंदर लाइट की तरफ और लाइटें अंदर घुसा रखी, मैं किसी बच्चे का हाथ लग जाएगा ना फिर कोई लगा दे बाई चांस, को बच्चा उतार के फेंक रहा हो तो वही उसकी चपेट में आ जाए। तो मम्मी बेटा ने वो टेप उतार उतार के देता पर चिपके नहीं थी ना, पत्थर के ऊपर को चिपकानी बहुत मुश्किल हो रही थी, पर चिपका के आई हूँ। हाथ दोनों खराब हो, दोनों हाथों की उंगलियाँ ना बिल्कुल यूँ हो रही हैं, गर्म पानी में शाम तक साफ होगी पर यूँ मैं कर आए लग। बेटा टेप काट के देता रहा, कोशिश तो उसने भी करी थी चिपकाने की पर नहीं चिपके, उसके भी हाथ ऐसे ही खराब हो गए। फिर उसने पढ़ना होता ना जब मैं करती हूँ तो मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा। मैं तो एक बार अब पौधा में पानी दे दूँ, जितने पौधे हैं सुबह आज में लेट हो गई थी, 7:15 से ऊपर ही हो गया था, मेरे को जाने की लगी रही क्योंकि पौध सूखने नहीं चाहिए पौधे में, तो शाम ने दिया करा एक बार पौध संभाल दूँ, जिसमें ज़रूरत है तो उसमें दे के जाती हूँ, और छोटा मोटा एक आध काम जो करना है अपना वो करके जाऊंगी। मैं 15-20 मिनट ही लगा गई थी छत में, पसीने आ गए, फिर कपड़े वाले प्रेस वाले को बुलाया, प्रेस के कपड़े दे के जाने के लिए मैं पेंट पर शर्टा की गठड़ी बंदी रखी थी, ले जा भाई नाट गया था एक बार तो मेरा कोयला खत्म हो गया, मैं आके नहर ले जा, मैं तेना कभी नहीं कहा अगर अब की बार में शर्टा की जरूरत है तो ले जा, मुश्किल से लेके गया। रिक्वेस्ट नहीं मैं वैसे वैसे को कया नहीं करती हूँ, कह देता आज नहीं जी कल लेके जाऊँगा, मैं कह तो कोई बात नहीं कल ले जाइए, कोयला खत्म हो रहा होगा ना, मेरा कोयला खत्म हो रहा है जी, मैं कल लेके जाऊँगा, मैं मन जरूरत है कपड़ा की लेके जाऊँ, तो मैं सारे बांध कर ना दिए, फिर सारे कपड़े फोल्ड करके नाज कपबोर्ड में लगी हुई थी। अब फिर और कुछ काम लगे अपना कपबोर्ड खोल के ना, तो यूं ही काम है। अब दिन बड़े हो गए, सर्दियों में तो इतनी ठंड पड़े थी कुछ भी करने को दिल नहीं कराया करता बिल्कुल भी, कुछ नहीं ना कुछ जचाया ना कुछ रखा ना, और इतनी एक दिन छोटे छोटे हुए थे थोड़ा काम होता जब भी यूँ आया करता, चलना धूप में बैठते हैं जाकर धूप में जाकर अपने काम ही करने लग जाया करती, गार्डनिंग के ना धूप अच्छी लग्या करती। ये भी शुक्र है दिन बड़े हो गए घर के काम होते रहेंगे ना, तो एक टाइम तो ऐसा हो गया था जिस तरह वो ठंड पड़े थी डस्टिंग करने को भी दिल नहीं कराया करता, जब खिड़की खिड़की और कुछ भी नहीं तो इसी से बाहर की तरफ यूँ निकलने ने दिल ही नहीं कराया करता अपना। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बड़े हुए हैं और अब इतना छत पर होता नहीं, शाम को ही होता है, सुबह लगा देते हैं फिर 10-15 मिनट बस मैं ही संभाल के आ करूँ, थोड़ा जो किचन वेस्ट हो जाता है इस टाइम तक होता है तो उसको डाल आया करूँ, और यही काम होते हैं या जिसमें पानी देना होता है थोड़ा बहुत पौध में वो दे आया करूँ। अब आगे आगे तो और भी बड़े दिन होएंगे और गर्मी पड़ेगी जब, तो वैसे भी कुछ ना कुछ काम होते रहेंगे, बड़े दिनों में ये होता है घर के काम होते रहते हैं एक्स्ट्रा, सर्दी में ये काम नहीं होते, एक तो ठंड इतनी पड़ती है 15-20 दिन वाली तो महीने, अब की बार तो महीना ही पड़ी थी, उसमें तो बिल्कुल भी कुछ भी करने को दिल नहीं कराया करता, हाथे निकालने को दिल नहीं करता उसमें तो, धूप में जाएगा तो फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाओ था, वैसे तो नीचे तो कुछ भी नहीं हुआ था। अब रख रही हूँ थोड़ी ही पालक, गर्म पानी में को निकाल कर उसको पीसूँगी, रोटी बनाऊँगी, पालक की रोटी बनाती हूँ सब्जी के साथ, टाइम भी हो रहा है, फिर बैठेगी तो अब बैठे पीछे फिर उठने ना जी नहीं करता, बस लगा रहो तो लगा रहो, इसलिए फिर मैं बेड पे भी ना लेती, मैं बैठ के ना फिर करती हूँ, लेट जाए ना फिर उठने को दिल ही नहीं करता, फिर मैं बैठ के ना एक बार बातें करके ना फिर करती हूँ, फिर जाती हूँ किचन में, माता ने खाना नहीं है उसका ऐसा ही है, 2-4 दिन खाया करे 2-4 दिन नहीं खाया करे, उसका कुछ हो रहा हो तो उसको ये भी नहीं पता होया करता मेरे क्या हो रहा है, यूँ रात ने शरीर टूटा था तो दिखा लिया, पहले ही दिखा दे खुला है मैं शरीर टूटा है तो फिर चढ़ बुखार रहा होगा, इसको यूँ ही नहीं पता होता मेरे बुखार हो रहा है क्या हो रहा है था, तो कुछ नहीं चेक करवा लाए थे अपना। ये पालक दो कन और पीस ली थी मैंने, इसमें हरी मिर्च और लहसुन भी थे, अकेली पालक नहीं थी साथ में हरी मिर्च और लहसुन भी पीसे थे, साथ में ब्रोकली चॉप कर ली थोड़ी ही। मैं रोटी सिंपल कम ही खाती हूँ, यही खाती हूँ, मेरा तो नॉर्मल उनसे ही घट जाता। ये आज एक कमेंट आया हुआ था उसी को बता रही थी मैं, इस तरह से अपना चेंज करने लग जाओ ना अगर बढ़ता है तो, गेहूं वाले आटे में भी इस तरह सब्जियां डाल के न, और ये अलसी के सीड्स कोई भी सीड्स डाल के न, ये चीज़ें डाल के मैं खाई जा सकती हैं, तो तब भी नहीं बढ़ता। अब मैं कम करने लग रही हूँ अपना अलसी सीड्स और वह मिलाने भूल गई थी, क्यों फाइबर हो जाता है ना थोड़ा आटे में, थोड़ा है नारियल का बुरादा है पीस रखा है, पीस कर रखा करूँ घर में अलसी का सनफ्लावर सीड्स जो सूरजमुखी के बीज होते हैं अलग अलग पीस कर रखे, अब मिलाए हैं वो एक एक चम्मच, देखने भी लग रहा है ना, दिखा दिया था मैंने किस तरह मैं अपना खाना इस तरह बनाया करूँ मैं सिंपल, वैसे मन कर गया तो सिंपल भी बना लेते हैं ना, ये चीज़ें तो मैं डालती हूँ
अपनी रोटी में कुछ ना कुछ डाल दो, पता होता है ना। कई लोग बिल्कुल सिंपल ही बना लेते हैं ना, जिसका बढ़ता है। जैसे मैं अलसी डालती हूँ, अलसी में ओमेगा 3 5 एसिड होता है, ये तो सबसे बढ़िया होती है अलसी। एक चम्मच में डाल देती हूँ आटे में, और फिर ये सीड्स डालती हूँ सब में, मैग्नीशियम पोटेशियम सब कुछ ही तो होता है, कैल्शियम फाइबर जो कुछ भी है अपना खाना होता है सारा इन्हीं रोटियों में हो जाता है। क्यों फिर ये होता है, अब मैं ये चीज़ खा लूँ, मैंने इस चीज़ से अपनी वो करनी है, अब ये चीज़ खा लूँ, उसके बजाय मैं इसी में ही मिलाने लगी ना अलसी का। तो ये मैं रोस्ट करके भी डाल रख लेती हूँ, तो आते जाते जैसे रोस्ट करके रखी, उसमें थोड़ा काला नमक, मन करे जब एक चम्मच ही चावल लेना। तो इन चीज़ों में जिसमें फाइबर होता है ना वो चीज़ खाओ। मैंने तो अपना इसी तरह स्टार्ट कराया हुआ है। मैं पहले टाइम हो गया सुबह से, खा पी लिया, बना दिया अपना, खा लिया, जूते डालने लग रही हूँ। जूते डाल कर नरब अपना सैर करने जा रहे हैं, सैर के लिए निकल रहे हैं। क्यों टाइम हो रहा है सुबह, थोड़ी नहीं है, 1-2 मिनट ही कमी रह रही थी, इसलिए टाइम फिक्स है ना, बस बैठ के ना जूते ही डालो भैया। मूँग स्प्राउट्स और सफ़ेद छोले लिया था, सफ़ेद छोले बॉयल्ड कर रखे थे और स्प्राउट्स बना रखे थे, मूँग उन्हीं का सैलेड बनाया था। इस टाइम तो मेरा यही चलता है ज़्यादातर, क्या हो गया कभी कुछ ऐसा बना लिया। और वो लोग इसलिए नहीं बनाया फिर मैंने, मैं क्या क्या बना रही हूँ कैसे, वो लंबा हो जाता, लंबा हो रहा था वैसे, मैंने चेक भी कर लिया था, बड़ा हो जाता है तो पूरा रूटीन एक आध बारी दिखाया जाता है। फिर तोते घूम रहे हैं, अब फिर सुबह शाम इनका यही काम है, चर चर करते रहते हैं। पर लंच और वो तो दिखाई दिया था, ब्रेकफास्ट इस तरह से लेते हैं, डिनर भी मेरा यूं ही होता, बस बेटा होता है मेरा मेरे साथ, दोनों मम्मी बेटा का हो जाता, अकेला आदमी हो तो फिर तो नहीं होता, दो जनों का होने के कारण फिर ये चीज़ें ठीक बन जाती हैं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक राम राम।